मेरे वीडियो में स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ मूंग के दाल के भगोड़े। उसकी सामग्री बताती हूँ। उबले हुए आलू, मूंग की दाल जो कि मैंने 2 घंटे पहले फुला के रखी थी, कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, हींग, कटा हुआ अदरक और कटा हुआ लहसुन, इन सबको पीसेंगे। मिलाने के लिए लाल मिर्च, नमक, भुना हुआ जीरा, कटा हुआ हरा धनिया। अब हम सारी चीज़ों को पीस लेते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को पीस लेते हैं, एक साथ पीसेंगे। बहुत महीन मिर्ची, अदरक, लहसुन और प्याज, इनको सब हम पीसेंगे। आप देख सकते हैं ये जो प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची सब अच्छे से महीन पीस चुका है। अब हम इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। हमने निकाल लिया है। अब हम दाल को भी एकदम महीन पीसेंगे। आप देख सकते हैं कि मूंग की दाल पिस चुकी है। देखिए कितनी महीन और बारीक पिसी हुई है। अब हम इसको एक बड़े बर्तन में डालेंगे। इसी तरह हम अब सारी दाल को पीस ले सकते हैं कि सारी दाल पिस चुकी है। और अब हम इसमें आलू मसल कर मिलाएंगे। आलू मसल चुके हैं। अब हम इन मसले हुए आलू को अपने बैटर में मिलाएंगे। और मसाला भी अपन ऐड करेंगे, जैसे भुंजा हुआ जीरा, नमक, लाल मिर्च और कटा हरा धनिया। आलू मसले हुए आलू इसलिए मिलाए हैं जिससे मकौड़े और सॉफ्ट बनते हैं और उनका टेस्ट भी अच्छा लगता है। हींग डालने से स्वाद और अच्छा आ जाता है। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे और तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे कि हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम इनसे मकौड़े सेकेंगे। हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकने देंगे। आप देख सकते हैं हमारे मकौड़े पूरे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरह हम सारे मकौड़े सेकेंगे जब तक हमारे और भी मकौड़े सेक रहे हैं, जब तक मैं इनको सर्व कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें सर्व कर दिया है और आप अपने हिसाब से सर्व कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.